हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल ऑल इन वन। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए वीडियो के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ऑनलाइन फ्लाइट टिकट्स कैसे बुक होते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ पूरे अंत तक, ताकि आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिलती रहे। गाइस, जैसे कि हम लोग जाएंगे google.com में और यहाँ पे डालेंगे फ्लाइट ऑनलाइन बुकिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, airtrip.com, fpeasygo.com, goindigo.com, makemytrip.com, उसके बाद में यहाँ पे goibibo.com, yatra.com, easymytrip.com। सो गाइस, बहुत सारे लोग makemytrip को प्रेफर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे makemytrip पे। सो गाइस, makemytrip पे क्लिक करने बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा makemytrip का। ओके, सो इसके बाद में यहाँ पे होता है वन वे ट्रिप, जो कि आप मुंबई से दिल्ली जा सकते हो। राउंड ट्रिप होता है कि मुंबई से दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद वापस आपको अगर रिटर्न आना होगा दिल्ली से, तो आप उसकी भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद में आता है मल्टी सिटी। मल्टी सिटी करने के बाद में आप अगर दिल्ली से बेंगलोर जाते हो, तो बेंगलोर से भी आपको अगर आगे जाना है, तो आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हो। तो हम लोग जाएंगे वन वे की तरफ। वन वे पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने मुंबई सिलेक्ट कर दिया है पहले ही, उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे डेट 25 तारीख के बजाय हम लोग 22 लेते हैं। ओके, 22 रिटर्न हमको आना नहीं है। ट्रैवलिंग क्लास यहाँ पे अडल्ट का होता है। अडल्ट का होने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने लोगों की बुकिंग करनी है। चिल्ड्रन का होता है 2 साल से लेके 12 साल तक, ये चिल्ड्रन में आता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कितने चिल्ड्रन है। इन्फांट्स होता है बिलो 2 ईयर्स, 1 साल 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनके लिए यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम लोग एक ही एडल्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमी बिजनेस क्लास भी होता है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोग अप्लाई करेंगे और जाएंगे सर्च में फ्लाइट डिटेल्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हुआ है, इसमें गो एयर है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, विस्तारा एयरलाइंस है, इंडिगो है। तो हम लोग गो एयर में जाएंगे, जो कि 6 बजे की फ़्लाइट है मॉर्निंग की, 8 बजे पहुंचेगी दिल्ली में। इसका फेयर है 3,993। हम लोग व्यू प्राइस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने व्यू प्राइस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं रेट में। यहाँ पे 3,993 है, 4,440 है, 7,640 है। हम लोग जो सस्ती है उसमें बुक करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बुक पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्ट करने का। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आप लोगों ने बाहर भरा था जो भी डिटेल्स, तो यहाँ पे आ गए हैं। 6 बजे की फ़्लाइट है, 8 बजे पहुँचेगी। यहाँ पे बेसिक फेयर है 2,619, TN सरचार्ज है 1,374, अदर चार्जेस है 5 रुपया। तो गाइस, कुल मिला के इतना अमाउंट होता है। उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस उसकी तरफ से। तो यहाँ पे ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो, अगर भगवान ना करे कि ट्रेन की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमें एक उसके पैसे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं जो भी रहेंगे वो। अगर आपको यस करना है तो यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर नो करना है तो अभी आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपको थैंक यू फॉर डोनेटिंग 5 रुपीज़ आप डोनेट कर डोनेशन दे सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं करना है तो आप टिक निकाल सकते हो, और देना है तो टिक कर सकते हो। 5 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है गाइज, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सो गाइज, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। पे फ्लाइट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जो हमने बैक पेज पे देखा था वही सेम एज इट इज यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका लॉगिन आईडी होगा मेक माई ट्रिप में, तो आप जब भी टिकट बुक करते हैं तो उसका उसकी डिटेल्स आपको लॉगिन आईडी में आ जाता है, ऑर्डर डिटेल्स में। हमारा तो लॉगिन आईडी है नहीं, तो हम लोग सिंपल जिस तरीके से करते हैं वैसे करेंगे। उसके बाद में गाइस, हमको यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर डालना है, जो कि मैं भी डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है। ओके, मेल
आईडी डालने के बाद में यहाँ पे जीएसटी नंबर फॉर बिजनेस डाल, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं बिजनेस क्लास में जो लोग उसकी टिकट लेते हैं तो उन्हें यहाँ पे जीएसटी क्लेम करने के लिए यहाँ पे डालना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। हमें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे पे जाने के बाद ये तो पहले का ही जो टिक वही है, अंडरस्टैंड एंड एग्री विद दी फेयर रूल्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी है, सब यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है। सॉरी मैंने यहाँ पे अडल्ट सिलेक्ट नहीं किया। ओके तो यहाँ पे अडल्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका नाम डालना है और मिडल नाम डालना है। तो मैं अपना नाम डालूँगा, जो आपके मिडल नेम मैंने आपके डैड का नाम होता है वो यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद में आपको आपका सरनेम डालना है, उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है मेल और फीमेल। ओके उसके बाद में अभी कंटिन्यू करेंगे, एक बार चेक करना है आपने जो भी डिटेल्स भरे, कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद गाइस आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आप फ्लाइट में अपनी सीट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सीट बुकिंग के लिए। ये जो फेयर है 350 रुपीज़ ये आपके टिकट में ऐड हो जाएगा, और ये जो आप क्रॉस देख रहे हो वो सीट्स कंफर्म हो चुकी है पहले ही। तो हम लोग यहाँ पे ये विंडो लेते हैं। ओके ये विंडो पे क्लिक करने के बाद हमारी ये विंडो सीट बुक हो गई है। ओके उसके बाद में ये 350 रुपये ऐड होके हमारे इतना फेयर हो चुका है। ओके हम लोग करेंगे नेक्स्ट। थोड़ा लोड हो रहा है, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी नया विंडो ओपन हो चुका है, उसमें पूरे डिटेल्स दिए हैं ये लास्ट पेज में, जिसमें आपकी समरी आती है बुकिंग की। यहाँ पे फ्लाइट की डिटेल्स है, फ्लाइट की डेट है 22 अगस्त की फ़्लाइट है, उसके बाद में मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट है, गो एयर की है, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है मुंबई से, पहुँचेगी दिल्ली में 8:05 में। यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे अडल्ट मेल, उसके बाद में यहाँ पे मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे मेरा टोटल है जो भी अमाउंट मुझे भरनी है फाइनल अमाउंट। और इसे देखने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी आपका पेमेंट का ऑप्शन है उसमें से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड में भी जा सकते हो, जिसमें आप अपना कार्ड का नंबर, आपका नाम, मंथ, ईयर और CVV कोड डाल सकते हो। इसके बाद में आप नेट बैंकिंग में भी जा सकते हो, इस बैंक में भी आपका है नेट बैंकिंग, समझो SBI है, तो SBI में आपको आप यहाँ पे डाल के SBI डाल के क्लिक करके यहाँ पे मेक पेमेंट में जाना है। उसके बाद में गूगल पे भी है, पेपल भी है, इस ऑप्शन में आप जाना चाहते हो आप उसमें जा सकते हो। मैं ज़्यादातर नेट बैंकिंग प्रीफर करता हूँ, तो मैं नेट बैंकिंग में ही जाता हूँ। तो गाइज ये था आज का वीडियो, ऐसे होता है ऑनलाइन प्रोसेस फ्लाइट टिकट बुक करने का। तो मैं तो जस्ट आपको शो कर रहा हूँ, तो मैं बुक नहीं करूँगा, जब ही जाना है मैं तभी बुक करूँगा। या फिर पेमेंट करने के बाद में आपको आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा, आधे घंटे के बाद में आपकी जो भी फ़्लाइट टिकट्स की बुकिंग है वो टिकट्स आपके मेल में आ जाएंगी, और आप वहाँ से व्यू कर सकते हो और आपका आपकी जो भी टिकट्स है वो आप वहाँ पर देख सकते हो। और जब भी आप 22 तारीख को और कभी भी आप जाओगे एयरपोर्ट पर तो आपको वो टिकट शो करना है। ओके सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। सो गाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइज, सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।